कबूतरी और रानू चिड़िया आपस में सहेलियां थीं। उनका आपस में बहुत आना जाना था। दोनों ही अपने घरों में बहुत खुश थीं। उनके घर भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। कबूतरी का बेटा कबूतर बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, जबकि रानू की बेटी चीनू बहुत ही नेक सीरत थी। वो घर के कामों में बहुत तेज थी और घरदारी तो उसको खूब आती थी। कबूतरी को पता था कि रानू ने अपनी बेटी के जहेज के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। इसीलिए उसके मन में ये बात थी कि वो रानू की बेटी चीनू का रिश्ता अपने बेटे टोनी के साथ करेगी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठी थी। अरे बहन, ये देखो सोने का सेट बनवाया है चीनू के लिए, देखो तो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे, इतना खूबसूरत सेट कहाँ से बनवाया तुमने? ये तो वाकई बहुत प्यारा है यार। अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने 6 सोने की चूड़ियां बनवाई थी और अब ये सेट। भाई चीनू तो बड़ी भाग्यशाली है। हाँ यार, अब और वो अपने घर में सुखी रहे, क्योंकि पैसे और चीजों से मुकद्दर थोड़ी ना खरीदे जाते हैं। बस अब अच्छा सा लड़का मिल जाए मेरी बेटी के लिए। अच्छा रानू, मैं सोच रही थी मेरा टोनी भी बाहर से पढ़ के आ रहा है और जाहिर है उसे भी अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि बाहर की डिग्री की ज्यादा वैल्यू होती है। तुम्हारी चीनू भी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी सोचें। मुझे ना तुम्हारी चीनू अपने टोनी के लिए बहुत पसंद है। हम अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? रानू ने कुछ टाइम सोचने के लिए मांगा और कबूतरी के जाने के बाद चीनू से मशवरा करने लगी। चीनू भी बहुत अच्छी बेटी थी और अपनी माँ को ही फैसला करने का इख्तियार दे दिया। रानू टोनी के आने का इंतजार करने लगती है। फिर टोनी भी कुछ ही दिनों में वापिस आ गया। वो रानू से मिलने के लिए आता है। Oh, hello, Ranu auntie. How are you? Oh, तो ये आपका घर है? थोड़ा छोटा है ना? मैं तो बाहर बहुत बड़े घर में रहता था। अरे टोनी बेटा, आओ ना, बैठ के बात करते हैं। रानू उसे बिठाती है और उसकी खूब खातिर तवाजो करती है। टोनी को भी चीनू पसंद आ गई थी। फिर कुछ ही अरसे में इन दोनों की शादी हो गई और चीनू अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाते ही चीनू ने सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि उसको तो पहले ही आदत थी सारे काम करने की। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। कबूतरी भी चीनू का ख्याल रखती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया भी बदलने लगा चीनू के साथ। एक दिन टोनी चीनू को बाहर खाने पे लेके जा रहा था। मामा, हम बाहर जा रहे हैं, आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ भाई, जाओ जाओ, अब तो माँ को कोई पूछता ही नहीं। मैं तो फालतू बंदा हूँ ना इस घर में, भला अब मुझे क्यों पूछने लगे तुम? अरे नहीं मम्मी जी, हमें वापसी पे थोड़ी देर हो जानी थी, इसीलिए आपसे नहीं पूछा। आप अगर साथ चलना चाहती हैं तो आ जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे चलो, बड़ी आई एतराज करने वाली, मैं तो अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम कौन होती हो माँ बेटे को दूर करने वाली? मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ये कह रही थी। अच्छा चीनू, बस भी करो ना, क्यों बहस कर रही हो मम्मा से? चले मम्मा, आप रेडी हो जाएं, हम साथ चलेंगे। कबूतरी हमेशा ही ऐसा करती। जब भी टोनी चीनू के लिए कुछ लेकर आता तो वो आगे बढ़कर वो चीज खुद रख लेती। उन दोनों को कभी अकेला कहीं जाने नहीं देती। और अब तो उसने कामवाली को भी छुट्टी दे दी थी और घर के सारे काम चीनू से ही करवाती। और अब तो टोनी भी अपनी माँ की साइड लेने लगा था। चीनू बेचारी बहुत सब्र करने वाली थी, वो चुपचाप सब कुछ सह लेती, कभी शिकायत न करती। फिर एक दिन रानू चिड़िया अपनी बच्ची से मिलने आती है। जब रानू चीनू के घर पहुंची तो वो झाड़ू लगा रही थी और उसका हुलिया भी बहुत खराब था। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, लगता है कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मैं अभी बात करती हूँ कबूतरी से।
अरे मम्मा, मैं अपने घर का ही तो काम कर रही थी, और घर के काम करना तो अच्छी बात है ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। अभी वो दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि कबूतरी आवाज लगाती है। अरे ओ कमबख्त, कहाँ मर गई? इतना वक्त लगता है सफाई में, चल अब जल्दी कर, ये कपड़े तेरी माँ धोएगी क्या? रानो ने अपने कानों से कबूतरी की बात सुन ली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। कबूतरी बहन, तुमने तो मेरी लाडली बेटी को नौकरानी ही बना दिया है। मैंने तो तुम्हारे भरोसे चीनू की शादी टोनी से करवाई थी, मगर मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। तुम तो मेरी सहेली थी। रानू की बात सुनकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे सासू माँ, तुम्हारी बेटी में कौन से सुरहाब के पर लगे थे? वो तो शुक्र करो मैंने हाँ कर दी, वरना इससे किसने शादी करनी थी। शुक्र करो एक बाहर से आए लड़के का रिश्ता मिल गया तुम लोगों को। और नहीं तो क्या, अच्छा भला तो रखा है तुम्हारी बेटी को, अब और क्या चाहिए? अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो साथ ले जाओ ना अपनी बेटी को, हमें लड़कियों की कमी नहीं है। रानू को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। चीनू बेचारी भी अपनी माँ को चुप करवाती रही। रानू चीनू को अपने साथ ले गई। उसका कहना था, जहाँ कदर ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चीनू को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि टोनी ने चीनू को तलाक भिजवा दी। चीनू बेचारी बहुत रोई और फिर एक दिन उसको सबर आ ही गया। जाहिर है आखिर वो कब तक रोती और उस बेवफा के लिए आंसू बहाती रहती। प्यारे दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। हम कहने को तो आजाद हैं, मगर असल में हम समाज की रीतों में जकड़े हुए हैं। लोग पहले तो बहुत प्यार से लेके जाते हैं कि हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, इसे किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे, मगर बाद में अपनी असलियत दिखा देते हैं, और यही हमारे समाज का सबसे नेगेटिव पहलू है।